भारतीय बौद्ध महासभा शाखा तिरंगी की ओर से आज बुधवार को बुद्ध विहार में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 60वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में जिला परिषद नागपुर के पूर्व उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारी ने दीप प्रज्वलित कर पंचशील ध्वज फहराया। इस अवसर पर गणमान्य व्यक्तियों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ साथ स्वर्गीय भीमराव राउत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस और कालकथित भीमराव राउत के पुण्य अनुमोदन उपलक्ष्य में भीम बुद्ध गीतों का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान बौद्ध उपासकों एवं उपासिकाओं ने विधिवत पूजा अर्चना की। धार्मिक कार्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और कालकथित भीमराव राउत को श्रद्धांजलि देते हुए सादर करते कलावन संविधान के प्रशांत नारनवरे, रुपेश पाटिल, उमेश कुमार, सुनीता सरगम, आनंद शेंडे ने भीम गीत प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अशोक राउत, पूर्व पुलिस पाटिल विष्णु राउत की ओर से भोजन दान की व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम में सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। एनबीसी न्यूज के लिए खापरखेड़ा से दिलीप गजबी की रिपोर्ट।